चलिए दोस्तों तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में जिसका नाम है वेन डायग्राम्स आपने देखा होगा पिछली क्लास में भी हमने वेन डायग्राम्स के कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे यहां पर हम अगेन वेन डायग्राम से जुड़े हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे वेन डायग्राम से सेट के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने तो जरा ध्यान से देखते हैं इस प्रॉब्लम में दोस्तों देखिए हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है सिंपल हमें दिया हुआ है कि एक कॉलेज में 700 हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं वेरी नाइस एंड देन 180 एट्टी स्टूडेंट्स आर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिमका तो हमारे पास 180 एट्टी स्टूडेंट्स ऐसे हैं उस कॉलेज में जो लिमका पीते हैं स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिरिंडा पीते हैं एंड 95 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों भी पीते हैं एंड मिरिंडा भी पीते हैं हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि लिम्का और मिरिंडा कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लिमका भी नहीं पीते हैं और मिरिंडा भी नहीं पीते हैं। अब आप ध्यान से देखिए बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये और इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कभी भी अभी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाने हैं या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बनाना है टोटल नंबर ऑफ पीपल बनाने बोलने का मतलब है प्रॉब्लम जो सेट का होगा उसमें अगर हमें टोटल रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्स मतलब सारे लोग एक साथ रिप्रेजेंट करने हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रेक्टाइंगल तो ये एक रेक्टाइंगल हमने बना लिया जिसको हमने कॉलेज रिप्रेजेंट कर दिया तो हमने बोला कि ये कॉलेज ठीक है जी वेरी नाइस nice. ये कॉलेज में कितने लोग हैं ये है सेवन हंड्रेड ग्रेट अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने बोला कि इस कॉलेज में दो टाइप के लोग हैं कितने टाइप के लोग हैं दो टाइप के याद रखिए ये जो दोनों टाइप हैं ये एक सेट है याद रखिए कॉलेज भी एक सेट है जिस सेट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया रेक्टाइंगल से रेक्टाइंगल से क्यों रिप्रेजेंट किया क्योंकि कॉलेज में जो है याद रखिए हम पूरे यूनिवर्स को हमेशा जो है किससे दिखाते हैं पूरे यूनिवर्स को हमेशा जो जो है है, है, से दिखाते हैं। तो जो है, वो ऐसे है, ये है, दो है यहां से एक है जो रेक्टाइंगल के आगे लिखा हुआ है लिम्का और एक रेक्टैंगल के आगे लिखा हुआ है मरिंडा। लिमका में कितने लोग हैं लिमका में कितने लोग हैं दोस्तों लिमका में हमारे पास हैं लोग 180। सौ अस्सी वेरी गुड मेरिंडा में कितने लोग हैं हमारे पास मेरिंडा में हमारे पास लोग हैं 275। और ये जो शेडेड एरिया है जिसको मैं इस टाइप से शेड से बना रहा हूं ये वो एरिया है दोस्तों जो दोनों लिमका एज वेल एज मेरिंडा पीता है लिमका भी पीता है एंड मेरिंडा भी पीता है राइट right? दोनों पीता है लिमका भी पीता है मरिंडा भी पीता है ठीक है ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है ये वैल्यू लिमका एंड मिरिंडा की हमें वैल्यू दी हुई है नाइनटी फाइव अब दोस्तों सिंपल जैसे हमने पिछले क्लास में बोला था कि यार याद रखिए आपका जो लिमका नहीं पीता है वो जो खाली लिमका पीता है मिरिंडा नहीं पीता है वो ये डॉटेड एरिया है याद रखिए ये जो डॉटेड एरिया है याद रखिए लिमका जो है आप अगर लिमका को बनाएंगे तो लिमका पूरा ये सर्कल है ये पूरा सर्कल लेफ्ट वाला लिमका है बट उस लेफ्ट वाले सर्कल में ध्यान से देखिए ये एक छोटा सा पोर्शन है जो कटा हुआ है जिसमें लोग मिरिंडा भी पीते हैं तो अगर मैं बोलूं कि खाली लिम्का पीने वाले कौन से लोग हैं तो वो ये डॉटेड वाले लोग हैं ठीक है जी वेरी नाइस राइट अगर ये लिमका को मैं इस तरह से काटू सिमिलरली मिरिंडा में कुछ लोग हैं जो केवल मिरिंडा पीते हैं वो लिमका को हाथ तक नहीं लगाते राइट जो मिरिंडा भी के साथ लिमका पीते हैं वो ये शेडेड एरिया हो गया तो अगर मान लीजिए कि आपको मैं यहां बनाऊं मिरिंडा तो आप देखिए इसमें कुछ एक पोर्शन ऐसा है मिरिंडा के अंदर जो ये शेडेड एरिया है यहां पर तो ये शेडेड एरिया लिमका एंड मिरिंडा दोनों पीता है ये जो डैश वाला एरिया है ये वो एरिया है जो केवल और केवल मिरिंडा पीता है वो लिमका को हाथ तक नहीं लगाता है राइट तो हेंस ये डॉटेड एरिया जो है वो आपका क्या बन गया वो हो गया ओनली लिमका ये खाली लिमका पीता है एंड आपका ये जो डैश वाला एरिया है दोस्तों ये कौन सा एरिया है ये है ओनली ली मिरिंडा ठीक है और आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि टोटल मेरिंडा पीने वाले लोग राइट टोटल मेरिंडा पीने वाले ये देखिए टोटल मेरिंडा पीने वाले लोग कितने हैं वो दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में दो उस दो में ये शेडेड वाला एरिया कितना है ये शेडेड वाला एरिया है पंचानवे हेंस ये डैश वाला एरिया कितना हुआ आप सोचिए कि इसको आप काट दीजिए तो जो बाकी बच गया वो बच गया दो सो पचहत्तर माइनस पंचानवे दो सौ पचहत्तर माइनस पंचानवे वो एरिया है जो केवल मिरिंडा पीता है सिमिलरली इस लिमका में से ये शेडेड एरिया को हटा दीजिए ये शेडेड एरिया को काट दीजिए तो जो बाकी एरिया इतना सा जो एरिया बच गया जिसमें डॉट्स हैं वो खाली लिमका पीने वाले हैं शेडेड एरिया कितना है 95 है तो बाकी कितना बच गया वो बच गया आपका 180 क्योंकि ये टोटल 180 है तो ये बच गया 180 एट्टी माइनस नाइनटी ठीक है सो डॉटेड एरिया कितना हो गया दोस्तों डॉटेड एरिया है 180 एट्टी माइनस एंड आपका ये डैश एरिया कितना है दोस्तों ये है 275 सेवेंटी फाइव माइनस ठीक है अब देखिए दोस्तों एक और एरिया बच जाता है ध्यान से देखिए ये एक और एरिया बच जाता है जिसको मैं इस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये जो एरिया जो ये सर्कल्स के बाहर का एरिया है ध्यान से देखिए ये सर्कल का बाहर का एरिया है जिनको मैं ऐसी धारियों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये देखिए ये सर्कल के बाहर का एरिया ये जो पूरा रेक्टेंगल का तो एरिया है मतलब कॉलेज का पार्ट है बट सर्कल का पार्ट नहीं है तो सर्कल का जो पार्ट नहीं है बट कॉलेज का पार्ट है वो ऐसा एरिया है दोस्तों जो लिमका भी नहीं पीता है एंड जो मिरिंडा को भी नहीं पीता है ये दोनों को नहीं पीता है इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो एरिया है ये जो इस टाइप से मैंने बनाया ये एरिया वो है जो लिमका को भी नहीं पीता है एंड जो मिरिंडा को भी नहीं पीता है दोनों को ये नहीं पीता है दोनों को पीता नहीं हमें यही वैल्यू निकालनी है और इसीलिए इस वैल्यू को आप डिनोट कर दीजिए x से ठीक है बस अब प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जानी है ध्यान से देखिए अगर मैं उसी डायग्राम को दोबारा यहाँ से बनाऊं, तो याद रखिए अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊं, यहां से एक सर्कल बनाऊं, ये लिमका है ये मरिंडा है ये वो एरिया है जो दोनों पीते हैं लोग ये वो एरिया है जो केवल मरिंडा पीता है ये डॉटेड एरिया वो है जो केवल लिमका पीता है और देन ये आपका जो बाकी मैंने शेड कर दिया बाहर का जो एरिया है आप ऐसे सोचिए ये जो बाहर का एरिया है, जो भी सर्कल के बाहर का एरिया ये जो पूरा एरिया ठीक है ये आपका कॉलेज का एरिया राइट कॉलेज का एरिया है जो दोनों चीजें नहीं पीता है। तो अगर मैं कॉलेज मतलब अगर मैं, एक का अगर मैं इस रेक्टाइंगल जो कॉलेज है उसका एरिया निकालू तो इट विल बी वॉट टोटल ऑफ एरिया जिसमें कि आपका ये बना हुआ है इस टाइप धारियां हैं प्लस जिसमें डॉटेड है मतलब कि जो केवल का पीता है प्लस जिसमें शेडेड है मतलब जो का एंड एंड मिरिंडा दोनों पीता है एंड देन आपका डैश है जो केवल और केवल मिरिंडा पीता है इन चारों कलर्स को या इन चारों शेड्स uh, को अगर मैं जोड़ दूं तो वो कॉलेज को पूर्ण करता है कॉलेज इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ंगल अब ये कॉलेज में कितने लोग दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 700 लोग वेरी गुड नंबर डाल देते हैं इज इक्वल टू ये जो धारियां हैं जिसमें कि सर्कल के बाहर की धारियां ये वाली धारियां ये हमें पता नहीं है तो ये हम x डाल देंगे ये वो कौन सी धारियां हैं जो कि ये कौन सी धारी है जो कि लिमका और मिरिंडा दोनों नहीं पीते हैं क्योंकि लिम्का और मिरिंडा पीने वाले जितने बच्चे हैं वो इन दोनों सर्कल्स में आ चुके हैं अब वो अगर सर्कल के शेडेड एरिया में है तो लिम्का और मिरिंडा दोनों पीते हैं अगर उस सर्कल के डॉटेड एरिया में है तो वो केवल लिम्का पीते हैं अगर वो डैश एरिया में है सर्कल के तो वो खाली मिरिंडा पीते हैं ठीक है तो जो इसके बाहर है जो बच्चे वो कॉलेज के बच्चे हैं बट वो लिमका और मिरिंडा दोनों नहीं पीते हैं वो हमने एक्स डाल दिया वही हमको प्रॉब्लम में पूछ भी रहा है फिर ये डॉटेड एरिया डॉटेड एरिया हमने निकाल लिया था पिछले में देखिए डॉटेड एरिया इज नथिंग बट 180 एट्टी माइनस राइट तो इसको आप डाल दीजिए यहाँ पर 180 -95 plus ये जो एरिया है जो कि है शेडेड एरिया जो लिमका और मेरिंडा दोनों पीता है वो कितने बच्चे हैं वो हमने निकाला हुआ बच्चों नाइनटी होता है तो उसको हम यहां डाल देते हैं विच इज 95 प्लस जो ये डैश एरिया है डैश एरिया मतलब जो खाली मेरिंडा पीता है उसको भी हमने निकाला हुआ बच्चों वो है टू सेवेंटी फाइव माइनस नाइंटी फाइव बस इसी को सॉल्व करना है दोस्तों ये 95, फाइव ये 95 फाइव कट जाएगा बच क्या जाएगा सेवन हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन 95, नाइन्टी फाइव नाइनटी फाइव कट चुका है प्लस 275 सेवेंटी माइनस आगे बढ़ते हैं इसी चीज को दोबारा लिख लेते हैं यहां पर 700 हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एट्टी एक्स निकालना है प्लस वन एट्टी प्लस टू सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव माइनस नाइन्टी फाइव कितना हो गया बच्चों सेवन हंड्रेड is equal to x plus 180 plus 275 है minus 95 कर देंगे सत्रह 18 180 हो एंड देन यू हैव have x plus 180 plus 180, 360 हो गया दोस्तों is equal to 700, therefore देयर फॉर equal to, इसको इधर ले जाइए 700 minus 360, which is equal इज इक्वल टू 700 minus 300, 400, 400 माइनस थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड माइनस द आंसर वुड बी थ्री फोर्टी दिस दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम की दोस्तों खूबसूरती ये है कि आपको कोई भी formula याद करने की जरूरत नहीं है ये सेट्स के ये प्रॉब्लम बनाने के लिए और आगे हम और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे और एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे आगे जहां पर खाली हमने अगर डायग्राम बना लिया मतलब डायग्राम की के खूबसूरती के, आपने चित्र बना लिया इफ यू यू हैव क्रिएटेड अ पिक्चर पिक्चर दैट विल टॉक टू इन वर्ड्स वो हजारों शब्द आपको बहुत ट्रांसपेरेंट कर देगा आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन इट विल बिकम एलिमेंट्री मैथ्स विच इज जस्ट एडिशन एंड सब्टन जो हमने किया कोई भी फॉर्मूला हमने यहाँ नहीं लगाया और बहुत ही आसानी से आपका पूरा प्रॉब्लम बन गया राइट एक और चीज जो मैंने पिछले भी क्लास में बताई थी कि अगर आपने डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व किया तो ना केवल आप यहां पर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बट अगर आपको कुछ भी और पूछ लिया अगर आपसे पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स ड्रिंक ओनली लिम का तो वो भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि डायग्राम में अब सारी चीजें यहां पर बनी हुई है ओनली जो डॉटेड वाले हैं, वो 180 -95 बना हुआ है। Only mirinda आपको दोबारा से सॉल्व नहीं करना है एक बार जो आपने टाइम लगा लिया है चित्रकारी करने में वाइग्राम बनाने में उसी से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ठीक है सो so दोस्तों थैंक यू सो मच आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए जो दोस्त हमारे फुल टाइम कोर्स को अभी तक इन नहीं किए हैं वो जरूर से इनरोल करें नौ सौ रुपए पर मंथ के आ, फीस पे आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं फुल टाइम कोर्स में फुल टाइम कोर्स में ऐसे ही हम कई सारे और सवाल बनाते हैं प्लस हम थ्योरी को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिटेल से समझते हैं तो बहुत ही हमारे स्टूडेंट्स को फायदा होता है उससे तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या आप हमको कॉल कर सकते हैं सिमिलरली अगर आप हमारे साथ जी पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको ई कर सकते हैं जो ई मेल आपको नीचे दी हुई ठीक है सो थैंक यू सो मच बहुत ही जल्द हम एक नया सेशन कल आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी